जीएसटी में व्याप्त खामियों को दूर किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात कर उन्हें अपनी 24 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना है कि वर्तमान जीएसटी में बहुत भारी खामियां हैं, जिसके कारण व्यापारियों को व्यापार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने भी समय समय पर जीएसटी में व्याप्त खामियों को दूर करने का आश्वासन दिया था, जिसको लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने 24 सूत्रीय मांग पत्र केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को सौंपा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष मदन लाल गुप्ता ने कहा, आज कोई ज्ञापन नहीं, आज लगा चुके हैं हम। आनंद जी इधर आइए, आप भी बिजनेस करते हैं ना? आई से नहीं। अरे भाई आगे यार, व्यापार मंडल को भी आगे बढ़ाओ। मैं मदन अग्रहरी, जिला उद्योग व्यापार प्रतिमंडल का अध्यक्ष। आज जिला उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के सभी लोग, मैं जिला अध्यक्ष, मैं मदन अग्रहरी के नेतृत्व में सभी लोग जो है आज इस अवसर पर जो है वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को जीएसटी में उत्पन्न जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए उनको एक ज्ञापन दिया गया जो 24 सूत्री है। हम आशा करते हैं कि जो ज्ञापन दिया गया है उस पर व्यापारियों की समस्याओं को निदान करने के लिए आप क्या मूल समस्या आ रही है आप लोगों को? मूल समस्या ये है कि जो जीएसटी में जो रिटर्न दाखिल की जा रही है उसमें कई विसंगतियाँ हैं। उसको 3 के जगह पर 1 रिटर्न दाखिल करने की मांग की गई है, और साथ ही जो जीएसटी जो है 12.5% को हटा केवल 12% की दर रखी जाए। इसी प्रकार वर्तमान में 28 को हटाकर 18% की जाए, एक जो 28% की जो है सो दरें हैं उसको 1 किया जाए, यही मांग व्यापार मंडल करता है। क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने कहा कि इसके संबंध में हम जो बैठक होगी उसमें हम जो कार्रवाई कराएंगे।